ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू आइसक्रीम 8 फाइनल चैप्टर। तो गाइस भाई, ये हो सकता है कि आइसक्रीम गेम की सबसे लास्ट वीडियो हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, अनलॉक द येलो बटन ऑन फ्री द किडनैप्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन रूम। ओके गाइस डन। भाई हमें जो है अब एक्सट्रैक्शन वाले रूम में जो आइसक्रीम अंकल ने ये बच्चे किडनैप कर रखे गाइस, उनके साथ भाई हमको एस्केप करना है। ये आप देख सकते हैं भाई, पिंक कलर के पता नहीं कैसे पानी में मतलब रखे गए हैं। और गाइस इनके साथ हमें एस्केप करना है, मतलब इनको भी भाई यहाँ से रिलीज करना है। और गाइस उसके लिए भाई मुझे ये वाली येलो बटन को प्रेस करना होगा। और भाई ये इतना ज्यादा आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि गाइस हमें जो है यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले गाइस माइक जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसे कुछ ना कुछ आइटम चाहिए जिससे ये मोटिवेट हो सके। ओके भाई, बहुत ज्यादा भाई खतरनाक सा सीन होने वाला है इस गेम में आज भाई। आज या तो भाई आज इस गेम की पूरी एंडिंग होगी, या फिर गाइस हमारा गेम यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो गाइस अभी जो हमें ये वाली येलो बटन को प्रेस करने के लिए इसे हटाना होगा, और उसके लिए गाइस हमें जो अलग अलग कलर की डिक्स लाकर इसमें लगानी होंगी। देख सकते हैं यहाँ गाइस, यहाँ पर रेड डिक्स लगेगी, और यहाँ पर पिंक, और यहाँ पर ब्लू। और गाइस ये तीनों डिस्क को लेने में भाई मेरी जो हालत होने वाली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो गाइस अभी जो है लिस्ट पता नहीं यहाँ पर क्यों खड़ी है। ओके, यहाँ पर भाई एक चूहा बैठा हुआ है वेंट के अंदर, और इस वाली वेंट को ओपन करने के लिए मुझे चाहिए होगा स्क्रू ड्राइवर। और भाई आई थिंक ये तो भारी मिलने वाला है गाइस आइसक्रीम अंकल को, आप जानते होंगे। और गाइस उसके मिनी रोबोट भाई पता नहीं भाई झटका लगा देते हैं, और गाइस आइसक्रीम अंकल भाई आकर हमें जमा देते हैं। और गाइस भाई बात ये है गाइस कि हमें जो है इसमें एक ही चांस मिलने वाला है। तो ओके गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ से भाई वो वाला माउस जाएगा इसके अंदर। और गाइस यहाँ पर अपनी पड़ी है पिंक डिस्क। तो गाइस एक वाली डिस्क का यहाँ पर जुगाड़ हो चुका है, हमें जो यहाँ पर एक मतलब वेंट को ओपन करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। और गाइस यहाँ पर हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर। तो गाइस उसके लिए भाई मुझे बाहर की ओर जाना पड़ेगा। तो गाइस भाई मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है इस गेम में। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ से ले ली भाई इलेक्ट्रोगन। ओके गाइस, मैंने यहाँ से ले ली भाई इलेक्ट्रोगन, और मैं इसे लेकर जाने वाला हूँ सीधा बाहर की ओर। और गाइस यहाँ पर भाई आइसक्रीम अंकल तो मुझे नहीं दिख रहे। और गाइस सबसे पहले भाई मुझे यहाँ पर बहुत सारे टूल बॉक्स रखे, और आई थिंक भाई मुझे सारे टूल बॉक्स चेक करने पड़ेंगे जिससे कि मुझे स्क्रू ड्राइवर मिल सके। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई इस वाले मिनी रोड ने मुझे देख लिया और सायरन बजा दिया है। भाई आइसक्रीम अंकल कभी भी आ सकते हैं। मैं फटाफट से गाइस, एक बारी मेरे पास इलेक्ट्रोगन है भाई, आइसक्रीम अंकल को आने दो भाई, मैं डरता नहीं हूँ उससे। फटाफट से गाइस मुझे जो है सारे टूल बॉक्स चेक करने होंगे, और उसके लिए सबसे पहले गाइस मुझे सबसे पहले गाइस एक टूल बॉक्स तो यहाँ पर मिला गया है, और इसमें मैंने चेक कर लिया है और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो गाइस जैसे भाई ऐसे ही मुझे और भी टूल बॉक्स चेक करने होंगे जिससे कि भाई मुझे यहाँ से स्क्रू ड्राइवर या फिर कुछ भी मिल जाए जिससे कि इसके भाई आसान हो जाए। वैसे एक सेकंड गाइस, यहाँ पर भाई मिनी रोबोट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ओके गाइस, अभी जो है आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ चुके हैं, मैंने इसे मस्त इलेक्ट्रोगन से एक शॉट मार दिया है। और गाइस इसने मुझे देख लिया भाई, मैंने इसको अलग ही मतलब करेंट लगवा दिया है। तो ओके गाइस, इस वाले टूल बॉक्स में भी कुछ भी नहीं है, मैं एक बार ऊपर चलकर देखता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर एक और टूल बॉक्स है। ओके डन भाई, यहाँ से मुझे मिल चुका है स्क्रू ड्राइवर। और गाइस वैसे वेट भाई, मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ आइटम देखा था ऊपर की तरफ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक हैंड का ऑप्शन आया था। ओके भाई, यहाँ पर ब्लू फ्लिपी डिक्स पीस। ओके गाइस, हमारी यहाँ पर दूसरी डिस्क का भी जुगाड़ हो चुका है गाइस, यहाँ पर भाई हमें ब्लू डिस्क भी मिल जाएगी। तो फटाफट से चलते हैं गाइस, अभी जो है भाई चूहे से भाई अपनी पिंक वाली डिस्क को लेकर आते हैं। तो ओके गाइस, अभी जो है ये वाली इवेंट को मैं स्क्रू ड्राइवर से ओपन करता हूँ। ओके डन भाई डन गाइस, एक और स्क्रू को मैं यहाँ से मतलब निकाल दूंगा। ओके डन भाई, अब जो है भाई लिस जो है इसे इस वाली वेंट में पहुंचाएगी चूहे वाले में। और गाइस वहां से हमें मिलेगी भाई पिंक वाली डिस्क। और गाइस हमारा इसके यहाँ पर थोड़ा सा तो डन होगा भाई आज, या फिर गाइस हम जो है आइसक्रीम 8 को पूरा एंड करने वाले हैं, या फिर भाई हम हमारा गेम यहाँ पर खत्म होने वाला है। ओके गाइस, चूहा यहाँ से अंदर की ओर जा चुका है। वैसे एक सेकेंड भाई साहब, गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, भाई मैं यहाँ पर एक चूहा बन चुका हूँ भाई। सलाम यार भाई, गाइस की प्लेयरेंस गेम भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम बनाई है गाइस, हमें जो है चूहा बना दिया भाई, मतलब गाइस बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक भाई, बहुत ही बढ़िया गेम है गाइस। आइसक्रीम 1 से लेकर आइसक्रीम 8 से लेकर गाइस सब मतलब गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ओके गाइस, अभी मैं सीधा सीधा यहाँ पर जाने वाला हूँ गाइस
हम जो है भाई एक चूहा बन चुके हैं और गाइस बहुत ही ज्यादा भाई अलग बात है। और गाइस ये रही अपनी भाई पिंक वाली डिस्क और गाइस इसे हमें लेने के लिए भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ओके गाइस यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ था, मैंने इसे निकाल दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ गाइस, इस वाले प्लग के वायर के साथ चलता हूँ। वेट भाई ये तो उधर की ओर निकल गया। ओके गाइस मैं यहाँ से घूम कर जाने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते भाई यहाँ पर कितने सारे ज्यादा ट्रैप बिछा रखे चूहे पकड़ने के लिए। बट गाइस इसमें भाई हम नहीं फंसना, लेकिन गाइस हमारा दिमाग जो है थोड़ा अलग है भाई चूहे से। हम भले मतलब हम चूहे बन चुके हैं, बट गाइस अपना दिमाग तो भाई अपना इंसान वाले है ना। तो ओके गाइस अभी जो मैं भाई ऊपर की ओर आ चुका हूँ, वो गाइस आप देख सकते हैं भाई कितनी ज्यादा अलग सी मतलब मेज जैसी जगह बना रखी भाई यहाँ पर। ओके गाइस हम जो यहाँ से नीचे की ओर उतरने वाले हैं, भाई पता नहीं मैं कहाँ पर ही जा रहा हूँ। बट गाइस ऐसा तो भाई मैं डायरेक्टली पिंक वाली डिस्क के पास नहीं जा सकता गाइस, मुझे ऐसे घूम घुमा कर ही जाना होगा। तो ओके गाइस अभी जो है भाई यहाँ से फटाफट से चलते हैं गाइस। मैं इस तरफ में देखता हूँ तो गाइस ये वाला नीचे वाला रास्ता है और मुझे आई थिंक जाना है इस तरफ में। तो ओके गाइस फटाफट से चलते भाई, देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा ट्रैप बिछा रखे। ओके गाइस यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ है, आई थिंक भाई इसे मुझे निकालना है। ओके गाइस यहाँ पर मतलब बिल्कुल ध्यान दे देकर चलना होगा भाई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लग लगे हुए हैं। ओके गाइस यहाँ से भाई एक रास्ता ओपन हो चुका है हमारे लिए। भाई कितनी ज्यादा पतली सी है, इसमें वेट भाई मैं यही कह रहा था इसे संभाल कर चलना होगा। वो गाइस बाल बाल अच्छा भाई अभी मैं ट्रैप के ऊपर ही गिर जाता। तो ओके गाइस अभी जो है भाई मुझे बिल्कुल भी संभल कर चलना होगा। देख सकते भाई कितनी ज्यादा पतली सी जगह है जहां से मुझे निकलना है। ओके डन भाई अब मैं जाने वाला हूँ सीधा ऊपर की तरफ। ओके ओहो भाई 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 गाइस देख सकते आप यहाँ पर कितने सादा ट्रैप बिछा रखे भाई एक चूहे के लिए। तो गाइस देख सकते भाई यहाँ पर करेंट अरेंट भी बढ़िया से फैला रखे। ओके डन भाई यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ। वैसे एक सेकंड भाई ये क्या सीन है गाइस, यहाँ पर पता नहीं कैसी सी मेज सी जगह होती जा रही है भाई। वो वाली पिंक वाली डिस्क पता नहीं कैसे ही होगी। ओके यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक लीवर है और मैंने इसे दबा दिया, पानी पूरा सूख चुका है। तो गाइस देख सकते भाई मुझे बहुत ही ज्यादा संभल कर चलना होगा यहाँ पर। ओके डन भाई मैं यहाँ से आगे की ओर जा रहा हूँ और गाइस यहाँ पर पता नहीं कुछ अलग सी जगह और यहाँ पर भाई बहुत ही ज्यादा आराम आराम से चलना होगा। यहाँ पर भाई एक टूटा हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा लंबी जंप की जरूरत थी जो मैंने लगा दिए। ओके डन भाई डन 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 गाइस हम जो है यहाँ से भाई पूरा पार कर आ चुके हैं आप देख सकते हैं। और गाइस हम मैं जो जाने वाला हूँ सीधा ऊपर की तरफ। ओके यहाँ पर एक और प्लग है, पता नहीं ये क्या है। और गाइस इसे जो है आई थिंक नीचे गिराना है। ओके डन भाई नीचे गिराने से पता नहीं क्या ही हुआ है। वट हाँ गाइस हमें जो है आई थिंक यहाँ से जाने का एक न्यू रास्ता मिल चुका है। ओके गाइस ये देखिए गाइस यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और रास्ता जा रहा है। फटाफट चलते गाइस, पिंक वाली फ्लॉपी डिस्क अभी हमारे सामने थी तो फटाफट से गाइस ये देखिए गाइस यहाँ पर है। ओके गाइस वेट भाई यहाँ पर ये आइस क्रीम अंकल जैसा कौन दिख रहा है। ओ नहीं 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 भाई थप्पा मत करियो एकदम से। ओके गाइस मैं ओके भाई यहाँ पर देख सकते गाइस एक स्टेचू बना हुआ है आइस क्रीम अंकल का। तो ओके गाइस फटाफट से यहाँ से चलते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई, पता नहीं मेज जैसी जगह हो रही है कुछ अलग सी। तो ओके गाइस मैं अभी ऊपर की ओर आ चुका हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा ऊपर की ओर आ चुका हूँ गाइस। अगर मैं अभी गिरा तो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत बनने वाली बात है। ओके यहाँ पर एक और ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, मैं फटाफट से इस वाले रास्ते की ओर चलता हूँ। ओके डन भाई मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ। ओके गाइस शायद मुझे ये वाली पकड़ी पर अब कूदना है। ओके सेफली लैंडिंग हो बस। ओके डन गाइस हमारी जो फ्लॉपी डिस्क भाई नीचे की ओर है, पर मैं इतनी हाइट से नहीं कूद सकता भाई, मुझे चोट लग सकती है। तो अभी गाइस हम जो है इसके ऊपर उतरते हैं। ओके डन भाई यहाँ पर नीचे की ओर उतरते हैं गाइस, देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ओके गाइस नीचे की ओर भाई मैं उतर चुका हूँ, फटाफट से यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं। और गाइस यहाँ पर पता नहीं दो पिल्लर से बने हुए हैं, मैं इनके ऊपर तो कूद गया हूँ भाई, मैं ज्यादा हाइट से नहीं कूद सकता, वरना गाइस हमारे चूहे को मतलब हमें जो है लग सकती है। ओके गाइस यहाँ पर कुछ और भी प्लग है जो कि मुझे आई थिंक खसकाने हैं नीचे की ओर, जिससे पता नहीं क्या ही होने वाला है, बट हाँ मुझे खसकाने होंगे। तो ओके गाइस इसे जो मैंने खसका दिया यहाँ पर पूरी तरीके से, और यहाँ पर एक स्प्रिंग है तो गाइस इसे भी आई थिंक मुझे नीचे की ओर ही गिराना होगा। तो ओके भाई डन भाई ये वाले स्प्रिंग से पता नहीं कुछ तो होने वाला है। ओके आई थिंक गाइस मैं इस वाले स्प्रिंग से ऐसे कूद कर भाई मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ। ओके गाइस ये मजेदार था भाई।
मतलब गाइस हमें जो एक एक चीज ध्यान में रखकर ऐसे चलना होगा। और गाइस देख सकते हैं ये रही लिस्ट, भाई हमारा इंतजार कर रही है हम कब पिंक वाली फ्लॉपी डिस्क लेकर जाएं और गाइस इसे दे। तो गाइस अभी जो है भाई ये वाला कुछ ज्यादा ही अलग सा ही मतलब सीन हो रहा है। ओके भाई फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ पिंक वाली डिस्क के पास और मैंने उठा लिए। अब गाइस मुझे जो है आई थिंक इतना भाई ज्यादा चलने की जरूरत तो है नहीं, मैं डायरेक्टली इस वाली कुर्सी पर लैंड कर लेता हूँ। ओके डन गाइस, मैं बिल्कुल नीचे की ओर आ चुका हूँ। फटाफट से चलते हैं इस वाले प्लग के मतलब ये वाला प्लग हमने निकाला था उसके थ्रू चलते हैं। और गाइस मैं आ चुका हूँ भाई उसी वाली जगह पर जहां से मैं अंदर की ओर इंटर हुआ था गाइस, ये रहा स्प्रिंग। ओके भाई डन गाइस, मैं जा चुका हूँ डायरेक्टली बाहर की ओर। ओके गाइस डन भाई, चूहा यहाँ से बाहर की ओर आ चुका है। गाइस इसने जो है लिस्ट को डिस्क दे दी है, अब फटाफट से वाली डिस्क को लेकर चलते और गाइस इस वाले जगह पर इसे लगा देते। ओके गाइस डन, मैंने एक वाली डिस्क को यहाँ पर लगा दिए। अब गाइस मुझे जो है दो डिस्क को लाकर और यहाँ पर, तो ओके गाइस माइक को भाई अभी जो है मोटिवेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ आइटम चाहिए होगा। और गाइस मैं अभी तक भाई लेफ्ट वाली जगह पर नहीं गया हूँ, तो ओके वैसे वेट भाई यहाँ से मुझे कोई सी गन मिली, मैं इसका नाम पढ़ने वाला, रुक जाओ गाइस। वैसे वेट भाई मुझे सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाना होगा क्योंकि गाइस सामने से रोड आया था। और गाइस वैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ओके गाइस यहाँ पर इसका नाम देखते एक्सपेंडेबल हैंडगन। ओके गाइस मुझे यहाँ से मिल चुकी है भाई एक हैंडगन। और गाइस मुझे पता है भाई इसका यूज कहाँ पर होने वाला है। गाइस जो हमने ऊपर की तो और एक ब्लू वाली डिस्क देखी थी गाइस, आई थिंक वो ये वाली हैंडगन का यूज वहीं पर ही होने वाला है। और गाइस अभी बाहर की ओर भाई आइसक्रीम अंकल थे, वैसे एक सेकंड भाई इसे जो है झटका किसने लगा दिया। वैसे एक सेकंड गाइस आइसक्रीम अंकल अभी बाहर की ओर जा रहे सामने की ओर है। और गाइस आई थिंक भाई ये अच्छा मौका है मुझे ऊपर जाने का, तो गाइस अभी जो है मैं फटाफट से भाई ऊपर की ओर जाने वाला हूँ। और गाइस वो वाली भाई डिस्क मैंने कहाँ पर देखी थी, वैसे एक सेकंड भाई यहाँ पर आइसक्रीम अंकल आ चुके हैं भाई, इसे मैंने यहाँ से एक तो यूज कर दिया इस वाली गन का। और गाइस आई थिंक भाई अब मैं इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि गाइस भाई इसका यूज सिर्फ हम दो बार ही कर सकते हैं, उसके बाद भाई इसका कोई भी सीन नहीं रहता है। फटाफट चलते गाइस ऊपर की ओर। और गाइस वो वाली जगह कहाँ पर थी, ओके गाइस यहाँ पर थी भाई, मैं फटाफट से यहाँ पर निशाना भाई सही साथ लगाते वरना गाइस दिक्कत हो जाएगी। ओके गाइस डन भाई, मुझे यहाँ से मिल चुकी है एक ब्लू फ्लिपी डिस्क। और गाइस आई थिंक भाई मुझे ऐसी एक और ढूंढनी होगी क्योंकि गाइस अभी ये अनरिपेयर है, तो आई थिंक माइक जो है इसे रिपेयर करने वाला है। तो ओके गाइस अभी जो मैंने यहाँ से इलेक्ट्रो गन भी यहाँ पर रख दिए। और गाइस इस वाली इवेंट में गया नहीं था, लास्ट टाइम में आपने देखा था गाइस इसके अंदर से आइसक्रीम अंकल आ रहे थे तो इस तरफ में गया नहीं था। ओके गाइस यहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। और वैसे एक सेकंड गाइस यहाँ से मुझे मिल चुका भाई परफ्यूम। गाइस याद होगा भाई ये वही वाला परफ्यूम है जो आइसक्रीम 3 में सर्कस वाली जगह पर एक मतलब नाली की मतलब जाली में गिर गया था, तो पता नहीं भाई ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो ओके गाइस माइक जो है इससे पूरा चार्ज हो चुका है, अब मुझे फटाफट से इसे दो डिस्क देनी है। और गाइस ये उसे भाई जोड़ तोड़ के मतलब एक डिस्क बनाने वाला है ब्लू वाली। तो ओके गाइस एक वाली डिस्क मैंने इसे दे दी है। और गाइस आई थिंक भाई दूसरी वाली डिस्क भी यहीं कहीं पर भी रखी होगी नीचे की तरफ। गाइस एक डिस्क हमें मिली थी ऊपर की तरफ, तो भाई मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि भाई एक डिस्क हमें जो है नीचे की तरफ ही मिलने वाली है जिससे कि हम ये वाली येलो वाली बटन को प्रेस कर सके। तो गाइस अभी जो है भाई मैं इलेक्ट्रो गन लेकर बाहर की ओर आ चुका हूँ, अब मुझे बस यहाँ पर एक और डिस्क ढूंढनी है जिससे कि भाई हम जो है ब्लू वाली डिस्क का भी जुगाड़ कर ले। फिर गाइस एक रेड वाली डिस्क रहेगी उसका भी भाई देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो गाइस अभी जो है भाई मैं ऊपर तो नहीं जाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर भाई सामने देख लिया भाई आइसक्रीम अंकल को पता चल गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। वैसे एक सेकंड भाई आइसक्रीम अंकल को यहाँ पर पता चल चुका है गाइस। ओ वेट भाई मैं इस तरफ नहीं आया था अभी। ओके गाइस यहाँ पर आई थिंक भाई यहाँ पर मिल सकती है क्या। ओके भाई आइसक्रीम अंकल तेरी ऐसी तेसी निकल। ओके भाई बहुत बुरा चक्कर भाई मैंने खिला दिया उसे। ओके यहाँ पर देखते भाई यहाँ पर हमें जो है डिस्क मिल चुकी है। ओके लेट्स गो। ओके गाइस यहाँ पर हमें जो है दूसरी वाली डिस्क भी मिल चुकी है, अब मुझे फटाफट से कंट्रोल रूम में जाना होगा। माइक जो है भाई इसे मतलब जोड़कर एक डिस्क बनाने वाला है। गाइस आइसक्रीम अंकल यहाँ पर मेरे पीछे पड़ चुके हैं, सब कुछ मेरे पीछे पड़ चुके हैं भाई यहाँ पर भाई मिनी रोड से लेकर आइसक्रीम अंकल तक भाई मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एक ही जगह बचा सकती है और वो है अपना कंट्रोल रूम। ओके गाइस आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ रहे हैं, फटाफट से भाई कंट्रोल रूम के अंदर हो जाते हैं। और गाइस अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और गाइस ये ले भाई माइक,
दूसरी डिस्क भी ले ले। और गाइस ये देखिए गाइस, इसने जो इसे जोड़कर भाई एक ब्लू वाली डिस्क बना दी है। ओके भाई डन गाइस, हमारी दो डिस्क तो यहाँ पर लग चुकी है। अब गाइस हमें जो है तीसरी वाली डिस्क भी यहाँ पर लगानी होगी, जिससे कि ये वाली येलो बटन को हो सके। और आई थिंक भाई ये चार्ली कुछ कहना चाहता है, फॉलो यू आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दैट रोबोट ब्राइंग ए सम। ओके ओके गाइस, सीन समझ में आ चुका है भाई, यहाँ पर कहीं पर तो रोबोट है और आई थिंक भाई ये इसे फॉलो करेगा। तो गाइस अभी जो है भाई मैं ऐसी जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर गाइस अभी मुझे फ्लॉपी डिस्क मतलब मैं गया था अभी। तो गाइस अभी वहां पर देखते भाई सीन क्या है। आई थिंक भाई यहाँ पर आइसक्रीम अंकल को एक बार तो चक्कर खिलाने पड़ेंगे। ओके गाइस, आइसक्रीम अंकल दूसरी तरफ जा रहे हैं। और गाइस इस वाली जगह पर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर एक मिनी रोड आपको हमेशा मिल जाएगा। और गाइस ये देखेगी यहाँ से भाई शायद चार्ली जो है अपना एंटर होगा अंदर की ओर। और गाइस यहाँ पर भाई अलग ही सेटअप बना रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पर अलग से भाई रोबोट है गाइस, यहीं पर ही सीन है भाई वो रेड डिस्क वाला। तो गाइस अभी आज के मंगल को भाई मस्त तरीके से हमने जमा दिया है। और आई थिंक ये वाला बॉस को मुझे ले जाना पड़ेगा चार्ली के पास। तो ओके डन भाई, मुझे लगता है आई थिंक चार्ली जो है रोबोट बनने वाला है, रोबोट का बॉस बनने वाला है। और आई थिंक भाई वो वहां से कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तो फटाफट से लेकर चलते हैं इस वाले बॉक्स को चार्ली के पास। ओके गाइस डन भाई, ये वैसा ही रोबोट बन चुका है और आई थिंक मुझे उस वाली जगह पर इसे ले जाना होगा, जिससे कि गाइस ये वाला भाई उन मिनी रोबोट को कमांड दे सके कि भाई एक तरफ ही मतलब आ जाओ सारे। तो ओके गाइस अभी जो है भाई इसे मुझे धीरे धीरे जाना होगा, मैं एकदम ही निकल गया था भाई अपना वापस जा रहा था। तो अभी गाइस सीन कुछ ऐसा है कि भाई आइसक्रीम अंकल वहीं पर ही है गाइस, कभी भी भाई वो आइसक्रीम अंकल उठ सकते हैं 60 सेकंड के बाद। तो गाइस यहाँ पर मुझे अभी इसे इंटर करना होगा। ओके डन भाई, वो यहाँ से चला गया, मैं अपनी रोड गन को यहाँ पर उठा लेता हूँ गाइस। जब भी आइसक्रीम अंकल यहाँ से उठेगा भाई मैं इसे बिल्कुल झटका देने वाला हूँ, बहुत गंदी तरीके से भाई इसे जमा देंगे। ओके गाइस आइसक्रीम अंकल यहाँ पर उठ चुके हैं भाई, इसे सोचने का मौका भी नहीं दिया और इसे फिर से जमा दिया। ओके गाइस एक जो है यहाँ पर भाई दिक्कत दे सकता है और मैंने इसे भी भाई करेंट लगा दिया है। ओके डन भाई, खुद ही झटके से अपने हो गया। तो गाइस अभी जो है भाई सीन कुछ ऐसा ही कि ये सारे रोबोट मुझे एक लाइन में करने होंगे और यहाँ पर मुझे कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं ABC। तो गाइस इनसे भाई मैं अपना रास्ता ओपन कर सकता हूँ सामने की तरफ। और गाइस मुझे आइसक्रीम अंकल का भी ध्यान रखना होगा, ये कभी भी भाई उठ सकता है अपना 60 सेकंड के बाद। तो गाइस अभी जो है भाई सारे रोबोट उसके पीछे चलने वाले हैं गाइस, वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसलिए वो उसे अपना बॉस समझ रहे हैं। और गाइस कमांड मतलब बिना कमांड दिए भाई वो उसके पीछे चलने वाले हैं। तो गाइस अभी जो है सीन कुछ ऐसा है कि गाइस यहाँ पर मिनी रोड फिर से उठ चुका है। ओके डन डन भाई, इसे अब होश में आया कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ओके भाई झटका तो लगा ही दिया भाई कहीं भी क्यों इसने। ओके डन गाइस, हम जो है यहाँ पर भाई सब कुछ करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक बार सब रास्ता खोल दे रहा हूँ, बट गाइस आइसक्रीम अंकल यहाँ पर उठ चुके हैं, मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि गाइस अपने रोड गन की भाई यहाँ पर एमओ बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, हमें सिर्फ दो ही भाई यहाँ पर मौका मिलता है। और गाइस मैं अभी बिल्कुल घूम फिर कर वापस से उसी वाली जगह पर जाने वाला हूँ। तो अभी गाइस इस वाली भाई वेंट से मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ, इस वाले से भी झटका भाई मैंने भाई, एक सेकंड गाइस में थोड़ी सी देर और रुक जाता ना तो दिक्कत नहीं होती। और गाइस यहाँ पर भाई आइसक्रीम अंकल यहाँ पर अभी नहीं आ रहे भाई, ये क्या सीन है गाइस, ऐसा ना हो कि भाई वो सामने से ही थप्पा कर दे। वैसे एक सेकंड भाई, मुझे यहाँ पर आइसक्रीम अंकल तो नहीं दिख रहे हैं, बट गाइस पता नहीं कहाँ पर ये। तो ओके गाइस मैं अभी इसी वाली जगह पर आ चुका हूँ, आइसक्रीम अंकल मुझे कहीं पर भी नहीं दिखे। और गाइस सारे मिनी भाई रोबोट यहाँ पर उसके पीछे चल रहे हैं। तो गाइस अभी कुछ सीन ज्यादा कुछ है नहीं भाई, मुझे सारे रोबोट को बेला कर दूसरी तरफ में करना होगा। तो ओके गाइस डन भाई, यहाँ पर मुझे सबसे पहले रास्ता ओपन करना होगा। और गाइस यहाँ पर भाई सारे रोबोट को अपने एक लाइन में लाकर भाई हमें जो है सारे रोबोट को उस तरफ में भेला करना होगा। तो ओके गाइस यहाँ पर भाई ये वाले रोबोट तो भाई इसने भाई पूरा जमा कर दिए, बट गाइस एक रोबोट यहाँ पर रह गया था, तो गाइस वो भी यहाँ पर जमा होने जा रहा है। और गाइस ये जो है पांच ही रोबोट मिलकर उसे धका सकते हैं। तो भाई ले तू झटका लगा दे बस गाइस, आइसक्रीम अंकल को भाई सायरन करके मत बुलाना। तो ओके गाइस डन भाई, अभी आइसक्रीम अंकल भी यहाँ पर नहीं है। और गाइस वैसे वेट भाई, सारे रोबोट वहां पर भाई जमा हो चुके हैं,
आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ निकलना होगा। आ चुका हूँ आइसक्रीम अंकल भाई, मेरे पीछे पड़ चुके हैं आप देख सकते हैं। तो ओके गाइस, अभी जो है आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ चुके हैं। फटाफट से इस वाले इवेंट के थ्रू मैं दूसरी तरफ से निकल जाऊंगा और गाइस आइसक्रीम अंकल को पूरी तरीके से घुमा घुमा कर गाइस हम उसी वाली जगह पर जाने वाले। और गाइस अभी शायद आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आ रहे हैं। ओके गाइस फटाफट से चलते भाई यहाँ पर। और गाइस भाई फटाफट से यहाँ पर चलते गाइस, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इसने किडनैप कर रखे हैं, हमें जो है सभी को छुड़ाना होगा। और गाइस यहाँ पर भाई एक मिनी रोड भी है का, तो गाइस अभी जो है मुझे यहाँ से जाना होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं भाई आइसक्रीम अंकल मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। तो गाइस ये देख, ओके भाई वैसे वेट गाइस, चार्ली जो है यहाँ से भाई रेड वाली डिस्क लेकर आ चुका है। और गाइस हमारा डन हो चुका है भाई यहाँ से एस्केप। तो ओके गाइस अभी जो है भाई मुझे कंट्रोल रूम में जाना होगा और फिर ही गाइस हम जो है वहां से जाने वाले। ओके गाइस फटाफट से चलते भाई। गाइस चार्ली जो है भाई अपनी रेड वाली डिस्क लेकर आ चुका है, मुझे बस वहां पर जाना होगा भाई। इसमें चुपचाप से भाई यहां पर सीधे सीधे जा रहा था भाई ये वाला, भाई इसका कुछ अलग ही सीन है भाई, झटका लगा दे रहा भाई। अच्छा हुआ इसने सायरन बजाकर आइसक्रीम अंकल को नहीं बुलाया। तो गाइस अभी जो है भाई ये देखे गाइस, ये वाला भाई रेड वाली डिस्क हमें यहाँ से मिल चुकी है। फटाफट से चलते गाइस कंट्रोल रूम में और गाइस आप कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो गाइस फटाफट चलते गाइस, हमारे जो है तीनों डिस्क यहाँ से मिल चुकी है भाई, फाइनली मैंने यहाँ से एस्केप कर लिया है। फटाफट से चलते गाइस इस वाले डोर को ओपन करते हैं। ओके गाइस डन भाई, ये वाले डिस्क को मैं इसमें लगा देता हूँ। और गाइस अब जो है भाई मैं इस वाली येलो वाली बटन को भी प्रेस कर सकता हूँ। ओके गाइस अब मैं भाई ये वाली येलो वाली बटन को प्रेस करने जा रहा हूँ। ओके गाइस तीनों इसमें चारों फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, एक साथ भाई इसे लीवर को दबाना पड़ेगा। ओके डन भाई, ये जो कांच है यहाँ से ओपन हो चुका है और मैंने यहाँ से येलो बटन भी दबा दी है। ओके गाइस यहाँ पर भाई ये जो पानी भरा हुआ है पिंक कलर का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से खाली हो रहा है। और आई थिंक भाई हम जो है अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को और पूरी फैक्ट्री में फंसे बच्चों को बचा सकते हैं। और गाइस आइसक्रीम अंकल पूरी तरीके से बौखला चुका है भाई, अलग ही गुस्सा हो रहा है भाई, इमोशनल हो रहा है। तो ओके गाइस ये भाई बहुत बुरी तरीके से इमोशनल हो चुका है। वेट गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अभी गुस्सा आ रहा था और गाइस आप जो है पूरी तरीके से इमोशनल हो चुका है। गाइस ये कुछ अलग ही मतलब कुछ ज्यादा ही भाई इमोशनल एंडिंग होने वाली है इस गेम की। और गाइस ये भाई आइसक्रीम अंकल का आइसक्रीम 8 का फाइनल चैप्टर है। और गाइस यही पर इस वाली वीडियो को भी दी एंड करते हैं। ओके गाइस पूरा डन हो चुका है भाई हमारा एस्केप यहाँ से, इसकी फैक्ट्री से हम बिल्कुल भी निकलने वाले हैं। ओके गाइस डन। तो ओके गाइस अभी भाई मैं हूँ यहाँ पर ईगल स्कूल में। और गाइस यहाँ पर भाई इस वाली खिड़की के थ्रू अगर मैं देखता हूँ तो गाइस यहाँ पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है भाई। यहाँ पर नन है, उसके हाथ में एक प्यारा सा बेबी है। और गाइस आइसक्रीम अंकल यहाँ पर आइसक्रीम का बॉक्स लेकर इस बेबी को देने आए। वैसे एक सेकंड भाई, नन ने जो फैसला करा है गाइस इस वाली बच्ची को भाई इसने आइसक्रीम अंकल को सौंप दिया। और गाइस आइसक्रीम अंकल का तो भाई आपको पता ही है गाइस, पूरा केज पेडलॉक में बंद करके रखता है भाई बच्चों को। और गाइस आप देख सकते भाई एक्सट्रैक्शन वाले रूम में कितने सारा बच्चे किडनैप है भाई, इसका भी कुछ अलग ही सीन है भाई। इसने जो है पूरी तरीके से इस बच्ची को आइसक्रीम अंकल के हाथों सौंप दिया है। आइसक्रीम अंकल यहाँ से निकल चुका है गाइस। नन बहुत ही ज्यादा भाई सेड है क्योंकि गाइस इसने भी कुछ ना कुछ मजबूरी में ही अपनी बच्ची को आइसक्रीम अंकल के हाथों में सौंपा है। तो गाइस अभी जो है सीन कुछ ऐसा है कि भाई वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। और गाइस आपको पता ही है भाई क्या करने वाला है, आइसक्रीम अंकल उसे केज पेडलॉक में बंद कर देगा या फिर आइसक्रीम में जमा देगा भाई, पता नहीं क्या करेगा। तो ओके गाइस अभी जो है भाई आइसक्रीम अंकल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर भाई अपने इस वाली जगह पर आ चुका है। और गाइस ये सीधा इसे ऊपर लेकर जाएगा भाई, ये बिल्कुल भी मतलब यही सोच रहा है भाई कि नन को क्या जवाब देगा भाई, उसकी बच्ची भाई इसने जो है पूरी तरीके से खत्म कर दी गाइस। मतलब बहुत ही ज्यादा भाई इसको बुरा लग रहा है गाइस, नन को भाई ये जवाब क्या देने वाला है उस वाली बच्ची के लिए भाई, पता नहीं। ओके गाइस डन भाई, चारों फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर की ओर आ चुके हैं एक्सट्रैक्शन वाले रूम के बाहर। और गाइस अब भाई इसका हम आइसक्रीम अंकल का एंड करने वाले। ओके भाई मेरे साथ सारे फ्रेंड्स आने वाले गाइस, अपने हाथ में है अपनी मस्त सी हैंड गन और सबके हाथ में भाई एक आइटम तो है वेपन। और गाइस अभी जो है हम सीधे जाने वाले हैं भाई नीचे वाली जगह पर, आइसक्रीम अंकल को भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिंदा। ओके गाइस अभी जो है नीचे की ओर चलते भाई, आइसक्रीम अंकल जो है यही पर ही आया था।
तो फटाफट से इसके ऊपर चढ़ते हुए से, एक सेकेंड भाई मेरे फ्रेंड्स लोग कैसे आएंगे, तुम घूम कराओ फटाफट से सीढ़ियों से। ओके गाइस, अभी जो है मैं इस तरफ में आ चुका हूँ, और भाई अभी जो ये वाले डोर को ओपन करते हैं, सारे फ्रेंड्स लोग भाई यहीं पर ही रहो, आइसक्रीम अंकल शायद इसी के पीछे ही है। ओके गाइस डन, भाई ये चारों फ्रेंड्स अंदर की ओर आ चुके हैं, और गाइस आइसक्रीम अंकल भाई आई थिंक यहीं पर ही था। तो ओके गाइस, वैसे एक सेकेंड भाई, इसके लेफ्ट वाली साइड में ये कौन सी तगड़ी सी गन बना रखी है भाई। ओ वेट गाइस, सीन कुछ अलग होने वाला है भाई। ये जो है अपनी गन के आगे बैठ चुका गाइस, ये फ्रीज गन है। ओ भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी गन है भाई, सब कुछ फ्रीज कर देगी। वैसे एक सेकंड गाइस, इसने जो ये वाला डोर को अनब्लॉक कर दिया है। ओ वैसे वेट, सारे वेपन को भाई इसने फ्रीज कर दिया है। अब गाइस हम जो यहाँ से बाहर की ओर भी नहीं जा सकते। वैसे एक सेकंड, माइक को भी भाई इसने फ्रीज कर दिया है। भाई इसका परफ्यूम जो है नीचे गिर चुका है, और गाइस लिस को ये मिल चुका है। ओके भाई, थोड़ी सी इमोशनल वाली एंडिंग हो रही है। वैसे गाइस एक सेकंड, भाई दोनों फ्रेंड्स यहाँ से भाग चुके हैं। भाई जे जो है अपना यहीं पर ही खड़ा हुआ है, और गाइस आई थिंक भाई इसे जो है डिस्ट्रॉय करना होगा इस वाली गन को। और गाइस ये मुझे नहीं पता भाई कैसे ही होने वाला है, बट हाँ गाइस हमने जो, ओके गाइस इसके भाई ऊपर एक कुछ अलग सी शैडो आ गई है। ओके डिफीट रोड एंड, ओके गाइस हमें जो है ये वाली गन को डिस्ट्रॉय करना होगा। वैसे एक सेकंड भाई, उसने बचने का ही मौका नहीं दिया। ओके गाइस हमारे पास एक और चांस है गाइस बदला लेने के लिए। ओके गाइस डन, भाई मैं जो है यहाँ से बहुत ही ज्यादा बच रहा हूँ, और गाइस आप देख सकते हैं भाई मैंने जो है अभी अपने फ्रेंड माइक को यहाँ पर ढाल बना लिए, और यहाँ से मुझे मिल चुका है एक स्लिन शॉट, और आई थिंक मुझे स्लिन शॉट से भाई ये जो सारे ऊपर जो भाई ये बनकर आए हैं मुझे इन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसक्रीम अंकल भाई मुझे बार बार ही जमा दे रहा है, और पता नहीं भाई मैं इससे कैसे ही बच रहा हूँ। ओके डन गाइस, यहाँ पर हमारा स्लिन शॉट यहीं पर ही गिर चुका है, और गाइस अभी देख सकते हैं भाई आइसक्रीम अंकल जो है फायर भी नहीं कर रहा है। ओके गाइस डन, भाई यहाँ से मैंने स्लिन शॉट वापस से उठा लिया है। अब गाइस मुझे जो इन्हें सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा। ओके गाइस सबसे पहले भाई ये सामने जो रखा है इसे मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। ओके गाइस डन, भाई मैंने यहाँ पर इसे डिस्ट्रॉय तो कर दिया, मुझे वापस से अपने टूल बॉक्स में से कुछ ना कुछ लेना होगा, और आई थिंक भाई मुझे इसे पास से जाकर ही करना होगा, और गाइस इससे भाई थोड़ा सा बच कर रहना होगा। ओके डन, भाई मैंने यहाँ पर कर दिया, और गाइस ये देख सकते हैं आप कहाँ पर भाई, थोड़ा रुक कर भाई मुझे हटना होगा, वरना गाइस आइसक्रीम अंकल की गन भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें बिल्कुल जमा देती है। और गाइस यहाँ से वापस से हम कुछ नट ले लेते हैं, और गाइस तुरंत हट जाते हैं। भाई यहाँ पर देख सकते हैं आइसक्रीम अंकल भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। ओके गाइस यहाँ पर भाई मुझे इसे भी डिस्ट्रॉय करना होगा। तो गाइस अभी देख सकते हैं भाई एक नट से तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बार बार यहाँ से नट लेना होगा, और गाइस आइसक्रीम अंकल की गन से भी बचना होगा जो हमें फ्रीज कर सकती है। तो ओके गाइस यहाँ पर भाई मैंने एक और कर दिया है, बट इससे कुछ हो नहीं रहा है। तो गाइस अभी जो है भाई मुझे बार बार यहाँ से नट लेना होगा, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आइसक्रीम अंकल भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे गाइस हमें। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर हमने अपने फ्रेंड माइक को यहाँ पर ढाल बना रखी है। तो ओके गाइस अभी जो है मुझे बार बार वहां पर मारना होगा, जिससे कि भाई मैं सारे ये, तो ओके गाइस मैंने भाई आइसक्रीम अंकल की फ्रीज गन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। गाइस ये अनकंट्रोल हो चुकी है भाई, ये अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो ओके गाइस अभी धुआं निकल चुका है भाई इस मशीन से, भाई डोर अपना अनलॉक हो चुका है, माइक जो है वापस से भाई अनफ्रीज हो चुका है। ओके गाइस अभी जो इसे ठंड लग रही है भाई कुछ, और गाइस ये देख सकते हैं भाई पूरी तरीके से मशीन जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब भाई आइसक्रीम अंकल पूरी तरीके से इमोशनल होकर मशीन गन से भाई नीचे की ओर उतर चुका है, और गाइस वैसे वेट भाई चारों फ्रेंड सामने, और आइसक्रीम अंकल बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, और गाइस ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल एंडिंग हो रही है इस गेम की। ओके गाइस आई थिंक भाई ये भाई इसका फेस दिखाएगा। ओके गाइस चारों फ्रेंड ने भाई आइसक्रीम अंकल का फेस देख लिया है, और गाइस वापस से इसने अपना मास्क लगा लिया है। ओके गाइस डन भाई। ओके वैसे वेट भाई आई डोंट नो। ओके गाइस मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। तो गाइस आइसक्रीम अंकल कह रहे हैं मुझे हाल ही में नहीं पता, मैं अतीत के कठिन समय के बारे में सोच रहा हूँ। स्कूल में बच्चे मेरे वजन को लेकर बहुत मतलबी थे, उनमें से कोई भी अभी भी सांस नहीं ले पा रहा है।
जो बच्चे गाइस किडनैप हो रखे हैं पानी के अंदर, वो अभी सांस नहीं ले पा रहे, उन्हीं बच्चों को किडनैप करा है, जो आइसक्रीम अंकल को बहुत चिढ़ाते थे और कहते हैं गाइस आइसक्रीम अंकल और मेरे पिताजी जो मेरा मुख्य परिवार थे मेरे मोटापे के लिए दोषी थे, क्योंकि उनके पास जहरीली आइसक्रीम बनाने का गुप्त नुस्खा भी था और वहाँ मेरे साथ बहुत लापरवाह थे। मुझे समझ नहीं आता क्या उन्होंने मुझे उस कन्वेंट से, उस नुस्खे की वजन से निकाला। यह दुख की बात है क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे वास्तव में प्यार नहीं किया। एक अभिभावक के तौर पर वहाँ प्रसिद्ध और अमीर होने में अधिक रुचि रखते थे और मेरी माँ एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में मेरी परवाह करती थी, वह एक पागल नन थी जो मेरे साथ एक लड़की की तरह व्यवहार करती थी। क्या वहाँ अभी भी जीवित है? क्या उसने बदला लेने के लिए मेरे पिता को मार डाला? अगर मेरे असली पिता जोसेफ नहीं थे, क्या वहाँ एक दुष्ट भगवान थे जिनका नाम वेफोमेट था? सिसिकना, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं जो कुछ भी करने की कोशिश करूं, मैं अतीत की गलतियों को पूर्ववत नहीं कर सकता। जीवन निरर्थक लगता है, मेरा बदला और मेरे सपने। गर्मी की रात में आइसक्रीम की तरह पिघल रहे हैं। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं सांसारिक मामलों को सावधानी से संभाला जाता है, लेकिन क्या हमें शुरू करना चाहिए और चुनौती स्वीकार करें? वहन, हमारी बातचीत शुरू होते हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं अपना आपका असली नाम नहीं बता सकता। आप अभी भी एक जादुई प्याले के आकार में छिपे हुए हैं। आपका सुझाव क्या है? आपकी योजना क्या है? रोड, आपके वहन मेडलिन के अंदर जो मानव प्राणी जीवित किया है, वह सच्चा पश्चाताप दिखा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वह एक और मौका पाने का हकदार है? मैं कुछ नहीं कर सकता। उस बौद्धिक प्राणी ने बहुत सारी गलतियों की, एक विशेष भाग्य था। मैंने अपने नियमों से उसे उसकी माँ से बचाया, लेकिन उसने नजरत को वेफोमेट समझ लिया। क्या वहाँ और अधिक मूर्ख हो सकती है? रोड के पास अच्छे कर्म थे, लेकिन वह पहले ही उन्हें खर्च कर चुका था। मैं और कुछ नहीं कर सकता बहन, मेरी मदद पहले ही समाप्त हो चुकी है। वे सभी जीवित प्राणी हैं, मैं बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उनकी मदद कर सकता तो युद्ध होता। निश्चित रूप से ये जीवित बचेंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। हम एक ही उद्देश्य साझा करते हैं, यदि वे सफल होते हैं तो हम स्वर्ग लौट जाएंगे, यह हमारा प्रोत्साहन है। जीवन को ही उनका शिक्षक बनने दे, जल्द ही मिलते हैं मेरी प्यारी बहन। ओके गाइस, जैसा कि आप भाई इस वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटा बच्चा जो बैठा हुआ है, जो यही भाई आगे चलकर रोड बनने वाला है। और गाइस इसे भाई स्कूल में बच्चे लोग, मतलब स्कूल में जो बच्चे रहते गाइस, मोटा मोटा कह गए चिढ़ाते थे, जिससे गाइस उन्हें जो है इसने किडनैप कर लिया। और वैसे भाई इसने जो है आइसक्रीम के बड़े से टैंकर में छलांग लगा दी। और गाइस ये अभी आइसक्रीम अंकल के अंदर पूरा डूब चुका है। वेट भाई, इसकी नन जो यहाँ पर आ चुकी है। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंडिंग हो रही है इस गेम की। और गाइस नन ने भाई आइसक्रीम अंकल को बाहर की ओर निकाल लिया। और गाइस ये पूरी तरीके से आइसक्रीम के अंदर, मतलब पूरा इसके ऊपर आइसक्रीम लिपट चुकी है। और गाइस भाई यही उसकी आई थिंक मदर है। और गाइस ये भाई इसे गले लगा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंडिंग हो रही है इस गेम की। और हाँ गाइस, यही इसकी भाई मोम है असली वाली। और गाइस भाई आइसक्रीम अंकल के साथ भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। हम भाई इसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे, बट गाइस भाई इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। और भाई ये दोनों भाई बिल्कुल पत्थर के बन चुके हैं। और इसके साथ भाई आइसक्रीम एट का भाई दी एंड हो चुका है इस गेम का। हम यहाँ से इस्केप कर चुके हैं गाइस फाइनली। ओके भाई डन गाइस, आइसक्रीम अंकल आइसक्रीम एट में भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंडिंग हो चुकी है। और गाइस सारे बच्चे जो है यहाँ से फैक्ट्री से भाई बाहर की ओर आ चुके हैं। पुलिस भी जो है यहाँ पर तैनात थी। और गाइस इसके मम्मी पापा और गाइस ये प्यारा सा डॉगी जो हमें गाइस आइसक्रीम एट के फाइनल चैप्टर में देखने को मिला। और गाइस इसी के साथ भाई आइसक्रीम एट की फाइनल एंडिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब गाइस इस गेम की भाई एंडिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगी।
ओके गाइस, माइक और लीज भाई मिल चुके हैं। गाइस परफ्यूम ने भाई अपना काम कर दिया है। तो गाइस फटाफट से इस वाली वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दो। गाइस ये आइस स्क्रीम गेम की सबसे लास्ट वाली वीडियो थी, तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस इसी के साथ भाई हमने आइस स्क्रीम अंकल की फैक्ट्री से एस्केप कर लिया है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय। गाइस लास्ट बार देख लो भाई आइस स्क्रीम अंकल की फैक्ट्री। ओके भाई डन भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा गाइस इसकी एंडिंग देखकर। तो गाइस चलो चलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।